वहीं यूपी में सीएए पर प्रदर्शन के मामले में यूपी में 3,305 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो जिस तरह से हिंसा बढ़ी उसमें 3,305 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया। पूरे यूपी में 110 जगह विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें 3,305 लोग हिरासत में हैं। उपद्रवियों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज किए गए। लखनऊ में 5 समेत प्रदेश भर में 126 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो 15 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। तो कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। तो लखनऊ में को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप खेर लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से रुक करेंगे। संदीप, अब पूरे यूपी में 3,305 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदीप, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो 15 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश सीएम की तरफ से, पूरी गंभीरता जो है वो दिखाई जा रही है। और यूपी में अब तक 3,305 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बीते कल पूरे यूपी में 110 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के चलते 13 मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं। 5 समेत प्रदेश भर में 126 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो वहीं 3,305 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव बीते कल यूपी में मचाया, सबसे ज्यादा लखनऊ और संभल में ये देखने को मिला।